लाइफ में कुछ भी हो, राइट, लाइफ में कुछ भी हो, आपको हार नहीं मानना है, ओके। देखो बहुत सारी मुश्किलों से जाते हुए ही आपको मंजिल मिलती है, तो हार कहीं मत मानना। हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मैं कमेंट्स चेक करता हूँ, मैं वीडियोज़ के लाइक्स भी चेक करता हूँ, मैं सब कुछ चेक करता हूँ, और मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिससे आप सहमत नहीं हो मेरे से, राइट। मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, आप सहमत नहीं हो। देखो ये चीज़ आपके लाइफ में एप्लीकेबल हो भी सकता है या शायद ना भी हो, या मतलब अगर हो भी मैक्सिमम के साथ ना हो, बट मिनिमम के साथ ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के साथ अगर ना हो तो 5%, 6% के साथ तो हो रहा है ना। तो आप एक ब्राइट साइड देखिए, राइट, उस चीज़ का ब्राइट साइड देखिए, उस चीज़ का पॉजिटिव देखिए, किस तरह से वो लोगों को बेनिफिट दे रहा है, राइट। अगर आप देखोगे कि मतलब ये नेगेटिव ही है और मतलब ये हो नहीं रहा है, ये नहीं है, ये गलत है, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा आप पे, राइट, बिकॉज इट वर्क ऑन मी एंड आई होप इट विल वर्क ऑन यू टू, राइट। तो ये एक मैसेज था, क्योंकि मैं एक कमेंट देखता हूँ, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि राइट आप सहमत नहीं हो, आप सहमत हो तो आप कैसे अपना मतलब रख रहे हो ओपिनियन, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना के दूँ, एक वीडियो में ये मैसेज दूँ, तो ये मैसेज आपको दे रहा हूँ। तो काइंडली जो भी वीडियोज़ दूँगा, ऐसा नहीं कि वो आप एप्लीकेबल होगा 110%, राइट, ट्राई कीजिएगा उसको करने का, उसको करना है आपको लाइफ में, उतारना है, राइट। अगर वर्कआउट नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, राइट, यू कैन स्किप दैट पार्ट, राइट। तो मतलब नेगेटिविटी मत फैलाइएगा, और मतलब करना है तो कीजिएगा, अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, बट इट्स ओके, बट हार मत मानिए लाइफ में, ओके। अगर आप वर्कआउट नहीं हो रहा ये चीज़, तो आप किसी और गुरु से मतलब शिक्षा ले सकते हैं, किसी और गुरु के पास जाके आप जान सकते हैं, बट मेरे लिए जो वर्क किया आपके लिए शायद वर्क ना करे या फिर वर्क कर जाए, राइट, बट मेरा जो फेथ है वो मेरे अंदर ही है और मैं उससे ही आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच, ये मैसेज मुझे देना था। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और आई होप कि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को देखा होगा और पिछले वीडियोज़ को आपने लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया होगा। ब्रह्मचर्य और आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर मैं देता हूँ, तो आई होप आपने मतलब सारे वीडियोज़ को अगर नहीं भी देखा तो जाके देख लो, एंड आई होप आपने कुछ वीडियोज़ तो देखे होंगे, राइट। बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियोज़ देता हूँ, क्योंकि आजकल का लाइफ जो है वो बहुत ही डिप्रेसिंग लाइफ है, और लोग नहीं चाहते कि मैं किसी मतलब यू नो केओस में फंसूँ, डिलेमा में फंसूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो, मैं कुछ गलत बोलूँ, मैं कुछ गलत करूँ, मेरे इंद्रियां वश में नहीं है। तो उन सब पे मैं बनाता हूँ, जो कि भगवद गीता से लिया है मैंने, एंड भगवद गीता इज़ अ वेरी बेस्ट बुक अक्रॉस द ग्लोब, राइट। आप कोई भी किताब उठा लो, उन किताब को आप वॉलेटाइल है, आप भूल जाते हो, बट भगवद गीता को द मोर टाइम यू रीड, द मोर टाइम यू नो यू गेट न्यू थिंग्स, द मोर यू रीड द मोर यू गेट द न्यू थिंग्स, राइट। तो भगवदगीता ऐसी चीज़ है, तो भगवदगीता को आप अपनी लाइफ में उतारो। तो उसी पे मैं मतलब बात करना चाहूँगा, एक मतलब एक यू नो सिचुएशन पे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि लोग आजकल बहुत जल्दी हार मान जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति डेवलप करो आप, राइट, वो एक पावर डेवलप करो। तो उस पावर को जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, उस पावर को जब तक आप यू नो स्टार्ट नहीं करोगे, जनरेट नहीं करोगे अपने अंदर, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पोटेंशियल कितना है। अगर आपको पोटेंशियल पता करना है तो आपको उस पावर को बढ़ाना होगा, उस शक्ति को जगाना होगा, राइट, शक्ति को जगाना, और शक्ति का बाय प्रोडक्ट ही पैसा है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, तो आप कभी नहीं देखोगे कि एक अनसक्सेसफुल इंसान मतलब यू नो शक्तिशाली है। वो सक्सेसफुल इंसान शक्तिशाली है, और आप कभी नहीं देखोगे कि एक सुस्त आदमी सक्सेसफुल है, एक आलस वाला आदमी सक्सेसफुल है। अगर आप सक्सेस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो लाइफ में, तो आपको शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। शक्ति है मेरे अंदर, इसलिए मैं इतना अचीव कर पा रहा हूँ और आगे भी करूँगा, मुझे भरोसा है। मैं खुद एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपने मास्टर्स के लिए, तो उस पीजी को क्रैक करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ 1-2 साल से, तो आई होप मैं निकाल लूँगा उसे, आई होप क्या, मुझे विश्वास है। ठीक उसी प्रकार से आप भी स्टूडेंट हो, आपके लाइफ में अगर आप मतलब यू नो ऑब्स्टेकल्स पा रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, वो करना है, यहाँ जाना है, ये नहीं करना, तो मन में बहुत सारे कुलबुल कुलबुल चलते रहते हैं आपके अंदर, मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब चलती रहती है, खटास मिठास यू नो खट्टे मीठे मोमेंट्स, तो उन सबको आपको अलग जगह छोड़ के, दूसरी जगह छोड़ के अपना जो कार्य है उस कार्य को कम्प्लीट करना है। आज मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ कि शायद मैंने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। जो पीजी का प्रिपरेशन है वो बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली मेडिकल लाइन में, डेंटल लाइन में, तो यू नो मुश्किल तो यूपीएससी आईएएस भी है, ज़्यादा टाइम वो भी लेते हैं, बट एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए डेंटल स्टूडेंट, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब हार्ड है। तो मैं सारी चीज़ों को भूल के बस पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। दुनिया जो भी बोले, जो भी करे, आई डोंट केयर, राइट, मुझे अपने लाइफ से मतलब है। तो अगर लाइफ में अगर मैं कुछ करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू डू वेल, आई हैव टू स्टडी। तो इसी प्रकार से आप भी अपने इंद्रियों को झोंक दो अपने सिर्फ काम पे।
कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और मेन थिंग ये है ना, मेन बात ये है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक को आप डीएक्टिवेट करो जितना जल्दी हो सके। यूट्यूब को मत करना, बिकॉज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आप मेरे वीडियोज़ को देखते हो ना। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को आप डिलीट करो, यूट्यूब को रख के। व्हाट्सएप यूट्यूब चलाते हो तो इट्स ओके, वो इंपॉर्टेंट है, बट आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को यू नो डीएक्टिवेट करो। डीएक्टिवेट करने के बाद आपके अंदर, जब आप एक दो दिन 21 दिन तक उन सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स को छोड़ दोगे और पढ़ाई पे मन शुरू करोगे अपना और इंद्रियों को अपने काम पे लगाओगे, तब देखना अपने आप ज़िंदगी लाइन पे आने लगेगी, ट्रैक पे आने लगेगी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत साल, मुझे मतलब मैंने अपने अंदर ये पाया है और बहुत अंदर बहुत सालों तक जब पाया तो मुझे, मैंने देखा कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मैंने भगवद्गीता को उठाया, भगवद्गीता को उठा के मैंने फिर योग करने लगा, मैं फिर पढ़ाई करने लगा, तब जाके मेरे लाइफ में जो है सब कुछ एक ट्रैक पे आने लगा। मुश्किलें आएंगी, लाख मुश्किलें आएंगी। आप किसी रूम पे हो, आप किसी रूम में हो, आप सोच रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, वगैरह वगैरह। एक दिन अवश्य आएगा जब आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी, भौतिक सुख सुविधाएँ। आप अगर मटेरियल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास वो भी होगा, बस आपको नियम को फॉलो करना है। आप नियम को फॉलो करते जाओ, आपके पास अवश्य होगा। अगर आप भौतिक, अगर आप नॉट भौतिक, आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे तो स्पिरिचुअलिटी पे भी आप आगे बढ़ोगे अगर आप सिर्फ भगवान का नाम लेते जाओगे तो, राइट। बट हम हैं यू नो, हम हैं मटेरियल थिंग्स में रहने वाले, चीज़ों में रहने वाले, सेंसेस में जीने वाले। तो हमें सेंस एन्जॉयमेंट के लिए कुछ तो पैसा चाहिए जिससे हम एटलीस्ट अपना गुजारा कर सके। तो उसके लिए, सक्सेस के लिए मेहनत करना होगा और अपने इंद्रियों को एक जगह रखना होगा, राइट। तो यही है आज का मैसेज, जो पहले मैंने मैसेज दिया उसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने आपको बताया, लाइफ में मतलब मुश्किलें तो आएंगी बट कभी हार नहीं मानना है, उस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा और ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य कीजिएगा, राइट। सके तो भगवद्गीता आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, राइट। अब ये वीडियो बना रहा था मैं, अभी फिर से प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। आई एम श्योर कि आप इसको लाइक शेयर अवश्य करोगे और सब्सक्राइब अवश्य करोगे। मेरे पुराने चैनल को भी देखना, माय डिवाइन जोन, उसके वीडियोस को भी चेकआउट करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, राइट। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप यू हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड आई होप यू फॉलो ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। हरे कृष्णा।